तो आप लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू अमेजिंग वीडियो में। तो गूगल आज बताओ आज की वीडियो में इनको क्या बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनिमी की आउटफिट कैसे शो करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना कोई सा भी कैरेक्टर ले लेना, उसे एनिमेशन वाले आउटफिट बना देना है। तो मैंने मैगजीन ले लिया और उसको एनिमेशन वाले आउटफिट बना के आपको एक नॉर्मल बीआर स्टार्ट कर देना है। नॉर्मल बीआर स्टार्ट करके देखना है कि आपको एनिमे की आउटफिट और ये शो हो रही है क्या। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरे को भी अभी शो नहीं हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँगा एंड तक कि मुझे शो होने लग जाएगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिए। तो देखिए अभी मैं गेम में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी बंदे का मुझे ना आउटफिट शो हो रहा है ना कुछ शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है जो इससे मेरे को सब कुछ शो होने लगेगा। और हाँ तब तक मैं आपको बता दूं कि हाँ कुछ बंदों ने YouTube पे मेरी पुरानी ट्रिक्स देख के फेक वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो पुराने ट्रिक्स काफ़ी टाइम हो गया है तो अब वर्किंग करना बंद कर दिया होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बंदे उसी पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फिर भी मैं शर्म नहीं आ रही उन लोगों को कि मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ उस पे। तो पहले अपने आपको आपके क्लॉथ कलेक्शन को देख लेना है कि पूरा डाउनलोड है या नहीं है। तो मैं अपने कलेक्शन में आ जाता हूँ तो देख ली मेरा हाफ डाउनलोड है, जितना इतना इनाफ डाउनलोड है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने गेम के सेटिंग में आना है और यहाँ से आपको अपना ब्राउज़र का क्लियर कैच कर देना है, क्लियर कैच कर देना है। और क्लियर कैच करने के बाद आपको अपने गेम को बैक कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद जस्ट मैं जो कर रहा हूँ वही करना है, आपको पूरे गेम को बैक कर देना है और मिनिमाइज़ में रखना है। मिनिमाइज़ में रखने के बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको जो मैं करता हूँ वही करते जाना है। और तब तक जिसने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। और जो भी नया बंदा है जिसको एंड जिसको कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो रही है तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो। तो मैं अपने अबाउट फ़ोन में आ चुका हूँ और यहाँ पे अपना डेवलपर ऑप्शन है उसे ऑन कर देना है। अगर ऑन है तो ऑन ही रहने देना है और नहीं है तो भी ऑन करना है। तो मैं आपको बता दूँ ये ऑन कैसे होगा। तो देखो मेरा भी फिलहाल ऑन है तो मैं इसको ऑफ करके ऑन कैसे करते हैं ये बता देता हूँ आपको। तो पहले मैं अपने जस्ट सेटिंग से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मेरा ऊपर आ रहा है सिस्टम, तो मुझे सिस्टम पे क्लिक करना है और अपने डेवलपर ऑप्शन को ऑफ करके वापस ऑन कर दूंगा मैं। तो अगर आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिले तो आप सर्च करके भी उसको ऑफ है ऑन है पता कर सकते हो। अगर आपको सर्च में नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए आपका ऑफ है और फिर आपको उसे ऑन कर देना है। तो मैंने ऑफ कर दिया है। फिर मैं अबाउट फोन में जाके वापस इसे अपने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके इसे बिल्ड जो बिल्ड इन्फॉर्मेशन आएगा उसका बिल्ड नंबर उस पर 5 बार टैप करना है और ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने 5 बार टैप किया तो अब मेरे को पासवर्ड मांग रहा है कि आपका अपना पासवर्ड डालिए ऑन करने के लिए। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और मेरा डेवलपर मोड ऑन हो चुका है। तो फिर आपको अपने गेम को साइड से हटा देना है, पूरा बैक से मिनिमाइज़ से हटा देना है। मिनिमाइज़ से हटाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके अपने गेम के ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो जैसे मैं गेम का डायरेक्ट ऐप इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, वहाँ से आपको अपना जो फ्री फायर है गेम है कोई सा फ्री फायर गेम है उसका क्लियर कैच कर देना है। दूसरे गेम में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम तो उसमें भी आपको क्लियर कैच ही करना होता है ज़्यादातर, तो क्लियर कैच कर लेना। क्लियर कैच करने के बाद आपको अपने गेम को साइड से हटा के ऑन करना है। जस्ट जैसे मैंने गेम को हटा दिया अब मैंने ऑन कर दिया है। तो जब तक हमारा गेम ऑन हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखो आप हमारी बात मानो या ना मानो, गूगल की तो बात मान ही सकते हो। तो गूगल ने जब बोला वो हो जाना चाहिए। तो भाई हमारा गेम भी ऑन हो चुका है। तो गेम ऑन होते ही आपको फिर से अपने मोबाइल की सेट गेम की सेटिंग में आना है और अपने गेम का जो नेटवर्क इश्यू है उसको रिपोर्ट कर देना है और क्लियर कैच फिर से कर देना अगेन। तो क्लियर कैच करने के बाद आपको अपने ग्राफिक सेटिंग में आ जाना है डिस्प्ले पे क्लिक करके। जो आपका ग्राफिक्स अगर स्मूथ है तो उससे स्टैंडर्ड कर देना है, और अगर आपका पहले से स्टैंडर्ड है तो उसे अल्ट्रा कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर जो अपने वापस सेटिंग में जाना है और डिस्प्ले में जाके आपका जो FPS है नॉर्मल FPS उसको हाई FPS कर देना है। तो मैंने हाई FPS करने के बाद अब मैं आपको अपना नॉर्मल BR स्टार्ट करके बताऊंगा। तो देखिएगा अब मेरा कुछ प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो भाई मैंने जैसे ही अपना वापस एनिमेशन वाला आउटफिट ले लिया अपना गेम स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है तब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप मेरे क्लैन में आना चाहते हो क्या, मतलब गिल्ड में आना चाहते हो क्या, गिल्ड में आप मेरा आना चाहते हो क्या। जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। और हाँ कुछ बंदे जो वीडियो सेम टू सेम अपलोड कर रहे हैं ना तो ध्यान रखना मैं स्ट्राइक भी दे सकता हूँ उनको, बट मैं देना नहीं चाहता क्योंकि नए कंटेंट क्रिएटर स्ट्राइक देके कोई मतलब नहीं है। तो देखिए गेम में ग्राफिक मैचिंग में कोई इश्यू हो रहा है तो मैं कैंसिल करके अगेन स्टार्ट करता हूँ। और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने काफ़ी बंदों को देखा है, मैंने चैनल एनालिसिस में देखा है कि काफ़ी बंदे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और बेल नोटिफिकेशन तो बिल्कुल ऑन नहीं करते। तो भाई देखिए मैंने गेम स्टार्ट कर दिया और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे काफ़ी बंदों का आउटफिट शो होने लग चुका है, मतलब जितना मेरा कलेक्शन था उतना तो मुझे शो होने ही लगा है। तो आप समझ सकते हैं कितने इजी तक हमारा आईडी सॉल्व हो चुका है। और हाँ ये जो ट्रिक करने के बाद आपका जो एक 5 से 6 MB का एक अपडेट आएगा
तो अपडेट करना ना भूले, वो अपडेट होगा तभी आपका प्रॉब्लम फिक्स होगा। क्योंकि जैसे मैंने वो ट्रिक की थी ना क्लियर कैच करके डेवलपर ऑप्शन ऑन करने वाले, तो उसके बीच में एक अपडेट आता है, तो वो अपडेट कर किया मैंने, बट मैंने वीडियो बनाना भूल गया था वहाँ पे। तो आपको अपडेट आएगा तभी आपकी प्रॉब्लम फिक्स होगी। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।